नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद न्यूज़ चैनल न्यूज़ 20 इंडिया, और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। इस वक्त हम राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय के महात्मा गांधी चौराहे पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप वो तमाम भीड़ देख सकते हैं कि ये भीड़ एक बार फिर से उग्र होकर के सरकार के विरोध जो है वो विरोधी नारे लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ चिकित्सा विभाग के CHA जो कार्मिक हैं, जिनको सरकार ने और जो प्रशासन ने उनको निकाला है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई है, उनसे सीधा उनका रुख करेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? दक्षा यादव, बांसवाड़ा से CHA हूँ। ये आप ये किस तरीके से ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? सर, हमारी सरकार मांगे नहीं मान रही है। हम आज 29वां दिन है, हम जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शहीद स्मारक पर। उसके अलावा भी सरकार हमारी मांग को मानने के लिए, क्या हमने क्या गलती करी है, क्या हमने जानवरों को दवाई करी है, क्या हमने जानवरों को खड़ा करा है? ये तो इतना ही उग्र आंदोलन हुआ, सरकार के कानों में अभी तक जू नहीं रेंग रही है। इसका कारण क्या, हमने जानवरों की जान तो नहीं बचाई है, हमने इंसानों की जान बचाई है। हमारे साथ में इतनी एक तरफ सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इस तरह की ये जो इतने बच्चे, आज दो दो महीने के बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, आज दो दो महीने के बच्चे ले लेकर लेडियाँ यहाँ पर खड़ी है, तो सरकार के कानों में अभी तक जू क्यों नहीं रेंग रही है? क्या हमने क्या गलती करी है? सरकार हमारे साथ अन्याय क्यों कर रही है? हमारा शोषण क्यों कर रही है? ये नारी शक्ति इतनी सारी आज परेशान हो रही है 33 जिलों के, जो भी राजस्थान की कार्यकारिणी के जितने भी पदाधिकारी जो भी हैं, जितने भी नेता संतरी मंत्री जो भी हैं, जितने भी नेता सब कुछ आ गए, लेकिन फिर भी हमारे तक हमारी जो सरकार है वो हमारी मांग को नहीं मान रही है। आज हम सरकार से ये आगार लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, अगर सरकार ने हमारी 1 तारीख के पहले पहले अगर हमारी मांग को नहीं मानती है, और हमारी जो जायज मांगे हैं संविदा कैडर 2022, और हमें वेतन है जो हमारा मान सम्मानजनक हमें वेतन दिया जाए, अगर ये हमारी मांग को पूरा नहीं करती है, तो आज तो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर धरना किया है, कल हम पंचायत पंचायत उपखंड उपखंड तहसील तहसील सभी जगह पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और आने वाली सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर एक CHA है तो उस गाँव में वो 10 वोट का अधिकार रखता है, अगर CHA ने हमारी मांग को नहीं मानी तो ये आगामी सरकार इस कदम को भुगतने के लिए तैयार हो जाएगी और इस कांग्रेस का सोपड़ा साफ हो जाएगा। इससे पहले मैडम आपने जयपुर में भी बड़े लेवल पे विरोध प्रदर्शन किया है, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है हमारी बात को? क्या सर, हम भूखे तरसे प्यासे वहाँ पे हम रोड पे सो रहे हैं, क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? और हमारे छोटे छोटे बच्चों, ये छोटे दो दो महीनों की माएँ बहनें ये सब ले लेकर बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं जुड़ी हुई है, उनका भी रुख करेंगे जो कि छोटे बच्चे को लेकर के इस विरोध प्रदर्शन में आई है। मैडम क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? कलावती मेहड़ा जी, घोड़ी तेजपुर PSC। जोर से बोलो, कलावती मेहड़ा घोड़ी तेजपुर PSC। कैमरे के सामने देखो आप, मैडम आप यहाँ छोटे बच्चे को तपती धूप में लेकर के, और हमें वेतन है जो हमारा मान सम्मानजनक हमें वेतन दिया जाए, अगर ये हमारी मांग को पूरा नहीं करती है, तो आज तो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर धरना किया है, कल हम पंचायत पंचायत उपखंड उपखंड तहसील तहसील सभी जगह पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और आने वाली सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर एक CHA है तो उस गाँव में वो 10 वोट का अधिकार रखता है, अगर CHA ने हमारी मांग को नहीं मानी तो ये आगामी सरकार इस कदम को भुगतने के लिए तैयार हो जाएगी और इस कांग्रेस का सोपड़ा साफ हो जाएगा। इससे पहले मैडम आपने जयपुर में भी बड़े लेवल पे विरोध प्रदर्शन किया है, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है हमारी बात को? क्या सर, हम भूखे तरसे प्यासे वहाँ पे हम रोड पे सो रहे हैं, क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? और हमारे छोटे छोटे बच्चों, ये छोटे दो दो महीनों की माएँ बहनें ये सब ले लेकर बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं जुड़ी हुई है, उनका भी रुख करेंगे जो कि छोटे बच्चे को लेकर के इस विरोध प्रदर्शन में आई है। मैडम क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? कलावती मेहड़ा जी, घोड़ी तेजपुर PSC। जोर से बोलो, कलावती मेहड़ा घोड़ी तेजपुर PSC। कैमरे के सामने देखो आप, मैडम आप यहाँ छोटे बच्चे को तपती धूप में लेकर के आए, क्या कारण है? नौकरी लेने के लिए आए, नौकरी चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो, कोरोना में काम किया हमने जी जान पर। आपको सरकार ने निकाल दिया, प्रशासन ने निकाल दिया, विभाग ने निकाल दिया, अब आगे क्या करेंगे आप? हमको नौकरी चाहिए, नौकरी लेके जाएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, रोड पे भले हमारी जान भी चली जाए, लेकिन छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे हैं हम यहाँ पे। बिल्कुल लगातार महिलाओं का आक्रोश फूटता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं जुड़ी हुई है, उनसे भी हम सीधी बात करेंगे। हाँ, यहाँ पर और भी महिलाएं, क्या नाम है आपका? भगवती यादव, CHA बांसवाड़ा। कहाँ से आए? बांसवाड़ा CHA। आप ये विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार को अभी तक पता ही नहीं चल रहा है हम क्यों विरोध कर रहे हैं। उसको समझ में नहीं आ रही है गलत सरकार को कि हमारे को महीने भर से काम कराई, ये काम करो वो काम करो, सारे काम करवा दिए हमने, वैक्सीनेशन किया, घर घर जाके टीके किए, लेकिन हमको निकाल दिया। मैडम आप लगातार आप जयपुर में भी कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था, क्या असर रहा उसका? सरकार पे कोई असर नहीं, हमने कितने ज्ञापन भी दे दिए, जयपुर में जाके विरोध भी किया, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रहे। मुझे मैडम ये बताइए कि आपके जिले में कितने मंत्री हैं?
हमारे मंत्री, दो मंत्री है लेकिन दो मंत्री भी कहाँ गए पता नहीं है, क्योंकि आपके दोनों मंत्रियों के नाम पता है आपको? मंत्री नहीं, मैं तो याद ही नहीं रखना चाहता। ऐसे मंत्री का नाम याद रख के क्या करना है, जो हमारा काम ही नहीं कर रही है। हमको ऐसा मंत्री नहीं चाहिए जो हमारा सपोर्ट नहीं करता। वो मंत्री किस काम का, कौन है मंत्री यहाँ का? अगर मंत्री होता तो यहाँ आता? बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ भी और भी कुछ युवा जुड़े हुए, सीधा उनकी बात करें। और हमारे मंत्री तो ऐसे कोरोना खत्म, क्या वो गारंटी ले रहे हैं कोरोना खत्म है? यू एक निकल जाओ, यहाँ बोल रहा है प्रसादी लाल मीणा कोरोना। एक सेकंड, यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित जैन है। कहाँ से आए हैं? मैं जोलाना से आया हूँ, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। आपके जिले में कितने मंत्री? क्या वो गारंटी ले रहे हैं कोरोना खत्म है? यू एक निकल जाओ, यहाँ बोल रहा है प्रसादी लाल मीणा कोरोना। एक सेकंड, यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित जैन है। कहाँ से आए हैं? मैं जोलाना से आया हूँ, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। आपके जिले में कितने मंत्री है और आप क्या स्थिति देख रहे हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट में दो मंत्री हैं। क्या नाम बता सकते हैं? दो मंत्री कौन कौन है? अर्जुन जी बामनिया और महेंद्र जीत सिंह जी मालविया, जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, अभी है फिलहाल। हम कैबिनेट मंत्री से बहुत बार मिल चुके हैं, उन्होंने हमने उनको जयपुर में जाकर मिला, उनके आवास पर जाकर मिले, यहाँ पर भी हम कई बार उनके आवास पर गए। हमको सिर्फ आश्वासन मिला, पूरे राजस्थान में कांग्रेस के करीब करीब 70 से 60 विधायकों का समर्थन मिला है, लेकिन धरातल पर हमारी कुछ मांगों को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। हम उसको लेकर पिछले एक महीने से जयपुर में धरनारत हैं और हमारे कुछ भी मांगे धरातल पर नहीं है। जो भी मंत्री वगैरह, जो भी संतरी मंत्री और विधायक आते हैं, हमारा आश्वासन देकर हमें चले जाते हैं। बिल्कुल, हम CHS आती हैं जो कोरोना काल में बहुत अच्छी तरह से सेवाएं दी थी, लोग हमको जानते हैं। बिल्कुल, हमें घर घर पहचान। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो है वो हेमंत राणा, निर्दलीय पार्षद, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो कि इस पूरे धरने प्रदर्शन में इन्होंने जो है वो समर्थन दिया है। कहाँ से आए, क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत राणा है और मैं निर्दलीय पार्षद हूँ इस बांसवाड़ा नगर परिषद के अंदर। मैं पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। ये कोविड जब लगा उस समय जो भर्ती की गई थी, उस समय इन्होंने जो कोरोना योद्धाओं ने जो मेहनत करी थी, जो भाई बहन माता पिता भी भाग गए थे, ऐसी कंडीशन हो गई थी, घर छोड़ छोड़ के भाई भाई का नहीं रहता, ऐसी परिस्थितियों में इन्होंने जो मदद करी थी, आज सरकार इनको चाय में से मक्की निकाल के फेंक रहे, ऐसी स्थिति इनको फेंका जा रहा है। राजस्थान के जयपुर के अंदर भी धरना प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा है, एक महीने भर से। मैंने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री को मेरे लेटर पैड, मैंने भी उनको एक पत्र लिखा है जिसमें इनको वापस लगाया जाए। और आज इनके समर्थन में मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं समझता हूँ इनकी भावनाओं को, क्योंकि छात्र राजनीति से और किसान परिवार से मैं निकला हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं किसानों के ये सब घर परिवार के विलोम रखते हैं। और हमारे इस क्षेत्र में जो मंत्री और विधायक बने हुए हैं, कहीं ना कहीं इन बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में ये सोच भी नहीं रहे हैं, और अभी तक इनके बारे में कोई बड़ी बात और बड़ा कोई स्टेटमेंट भी जारी नहीं किया है। जबकि सरकार जब गिर रही थी, तब इस क्षेत्र के विधायकों ने मदद करी थी, परंतु आज सरकार के अंदर बात करने लायक नहीं है, ऐसी स्थिति में हम इनका बिल्कुल लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कहीं ना कहीं तपती धूप, जो कि टेम्परेचर यहाँ पर लगभग इस वक्त अभी 45-46 के आसपास का टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर में ये लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ युवा और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम सीधा बात करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रवीण डोडियार है, मैं कोविड स्वास्थ्य सहायक हूँ बांसवाड़ा से। क्यों, क्या ये क्यों तपती धूप में क्यों परेशान हो रहे हो? हमारा कोरोना काल में गहलोत सरकार ने हमें 31 जुलाई तक लगाया था, कोविड स्वास्थ्य सहायक और कोविड हेल्थ कंसल्टेंट लगाए थे, और जिनको 1 अप्रैल 2022 से उन्होंने बेघर कर दिया है। और गहलोत सरकार है वो हमारी मनमानी कर रही है उनकी, और हमारी कोई बात ही सुननी नहीं रही। और हमारा कोरोना काल में काम किए वो कोविड स्वास्थ्य सहायक है, वो जयपुर में शहीद विधायकों ने मदद करी थी, परंतु आज सरकार के अंदर बात करने लायक नहीं है, ऐसी स्थिति में हम इनका बिल्कुल लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कहीं ना कहीं तपती धूप, जो कि टेम्परेचर यहाँ पर लगभग इस वक्त अभी 45-46 के आसपास का टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर में ये लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ युवा और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम सीधा बात करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रवीण डोडियार है, मैं कोविड स्वास्थ्य सहायक हूँ बांसवाड़ा से। क्यों, क्या ये क्यों तपती धूप में क्यों परेशान हो रहे हो? हमारा कोरोना काल में गहलोत सरकार ने हमें 31 जुलाई तक लगाया था, कोविड स्वास्थ्य सहायक और कोविड हेल्थ कंसल्टेंट लगाए थे, और जिनको 1 अप्रैल 2022 से उन्होंने बेघर कर दिया है। और
गहलोत सरकार है वो हमारी मनमानी कर रही है उनकी, और हमारी कोई बात ही सुननी नहीं रही। और हमारा कोरोना काल में काम किए वो कोविड स्वास्थ्य सहायक है, वो जयपुर में शहीद स्मारक पर 28,000 CHA है, वो लगातार 29वें दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं मान रही हमारी बात। आपके जिले में कितने मंत्री हैं? हमारे जिले में 2 मंत्री है, अर्जुन नाम बताओ। अर्जुन सिंह बावनिया और गहलोत महेंद्र सिंह मालविया। उन्होंने क्या किया कि उनके पास हमने कई बार लेटर दिए तो वो आश्वासन देते हैं हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, लेकिन वो आप मुख्यमंत्री से बात नहीं करते। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये समर्थन में जो है वो नर्सिंग जो यहाँ का यूनियन है उन्होंने भी अपना समर्थन दिया, सीधा उनका भी रुख करेंगे। सर क्या नाम है? मैं मदन लाल निनामा, राजस्थान नर्सेज यूनियन जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा। लंबे समय से आज शायद आज आपको यूनियन नर्सेज यूनियन के नाते CHO का सपोर्ट करने के लिए आप मैदान में उतरे हैं, सर क्या है? जी बिल्कुल, हाँ, हम जब ये फर्स्ट दिन धरना प्रदर्शन इन्होंने दिया था पूरे प्रदेश में, तब भी हमने हमारे लेटर पेड पे हमने इनको समर्थन दिया था। पूरे प्रदेश में आज 28वां दिन है और ये लोग लंबे समय से, और शायद राजस्थान में पहला इतना बड़ा आंदोलन होगा जिसमें महिलाएँ और इतने टेम्परेचर में 46 डिग्री से अबोव है इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनके सामने इनको आकर के इनका निराकरण करने के लिए तैयार नहीं। तो हम चाहते हैं कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल कर, जैसे सविता कैडर है या जो भी निकाल कर इन लोगों को राहत देनी चाहिए, क्योंकि ये हम नर्सेज हैं, हम सरकार का सम्मान करना भी जानते हैं और सरकार का विरोध करना भी जानते हैं। हम सरकार के सिस्टम को बनाने में भी सहयोग करते हैं और सिस्टम को हिलाने में भी हम पीछे नहीं हट सकते हैं। तो मेरा आज ये इस तपती धूप में कोविड सहायकों के लिए पूरा समर्थन है, और ये मैसेज राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को जाना चाहिए, और कलेक्टर साहब के मार्फत कुछ ना कुछ एक ऐसा मध्यस्थता करके ऐसा रास्ता निकाल कर इन लोगों को राहत दे, पूरा समर्थन है। और ये मैसेज राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को जाना चाहिए, और कलेक्टर साहब के मार्फत कुछ ना कुछ एक ऐसा मध्यस्थता करके ऐसा रास्ता निकाल कर इन लोगों को राहत देनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार आप देख सकते हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो अपनी जायज़ मांगे रखी है, कहीं ना कहीं ये मांगे जो हैं ये अपनी अहम मांगे हैं, लेकिन इन अहम मांगों को राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन कब तक सुन पाता है ये एक आने वाला समय तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि कोरोना काल में जिन्होंने एक संजीवनी के रूप में काम किया है, आज वो अपने नौकरी के लिए जो है वो 45 डिग्री टेम्परेचर में या कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीप चौहान के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।